विधानसभा चुनाव को लेकर देवरिया जनपद की बरहज विधानसभा सीट से सपा के पूर्व प्रत्याशी विशन 2022 की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें, पीडी तिवारी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर बड़ा शिक्षण संस्थान बनवाएंगे और 2 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये बताइए, भाजपा कर रही है 4.5 साल में उन्होंने विकास किया, क्या कहना आप इस बारे में? जिस सड़क से आप आए हैं संदीप जी, वो सड़क देख सकते हैं इन्होंने कौन सा विकास किया। भाजपा ने 5 साल में नफरत फैलाया, नफरत का खेती किया, नफरत का बीज वो किया। आज नेताजी के जन्मदिन पर गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान संकल्प लेके जाएंगे और उत्तर प्रदेश से इनका सफाया करने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। क्या यहाँ पे काम नहीं हुआ आपके नजर में? ना तो सड़कें बनी, जो 2012 से 17 तक हमने जो काम किया था उसके अलावा 1 इंच काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। मैंने दुल्हन तक की तरह बरहज को सजा के छोड़ा था, मैंने सड़कें बनवाई थी, हमने 340 करोड़ रुपए की सड़क यहाँ दी थी, छोटी और बड़ी, जनेश्वर मिश्रा पूर्वांचल हर तरह के मिला के। हमारा 350 करोड़ का पुल था, उस पुल को भी पैसा लूट लिया, अभी तक एक पुल नहीं बना, मोहन सिंह का पुल। सड़कें तबाह कर दी, सड़कें चलने लायक नहीं है, गाँव में तबाही का आलम है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, कोई जाँच यहाँ नहीं हो सकता। आप देवरिया के अस्पताल में देवरिया के CMO और कलेक्टर केवल फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, सरकार आने पर इन लोगों का भी हिसाब लिया जाएगा।